Welcome to Bharti E Parvavam Tyohar channel. नमस्कार मित्रों मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा किस प्रकार की जाए, इस विषय पर जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनके 10 हाथ हैं। दसों हाथों में खड़ग बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। आइए मित्रों, जानते हैं कि माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा कैसे करें। मित्रों, लकड़ी की चौकी पर माता चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्र घंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन आसन पाद अर्घ आचमन स्नान वस्त्र सौभाग्य सूत्र चंदन रोली हल्दी सिंदूर दूर्वा बिल्वपत्र आभूषण पुष्प हार सुगंधित द्रव्य धूप दीप नैवेद्य फल पान दक्षिणा आरती प्रदक्षिणा मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। इसके तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें तथा माता का ध्यान करें। मित्रों, माता का ध्यान करने के लिए मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंह रूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड़ग गदा त्रिशूल चापसर पदम कमंडल माला वराभीत कराम पटाम्बर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयु किंकिणी रत्न कुंडल मणिताम प्रफुल्ल वंदनाम विवाधारा कांत कपोलाम तुंग कुचाम कमनीयम लावान्याम क्षीणकटि नितंबिनीम। माता का ध्यान करने के उपरांत आप माता का स्रोत पाठ 108 बार करें। माता का स्रोत पाठ है, आप दुग्ध दारिणीम तुमहि आद्यासक्ति शुभ पराम अणिमाद सिद्धदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्याम। चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाभ्यम नाना रूप धारिणी इच्छा नयी ऐश्वर्य दायिनी सौभाग्य रोग दायिनी चंद्र घंट प्रणमाभ्यम। हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।